वेलकम टू माय चैनल दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल। मेरा नाम है दीपिका, दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल है, नया वीडियो है, इसलिए आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कमेंट करके जरूर मुझे विश कीजिएगा। उसके साथ साथ वीडियो में ये वाला सॉफ्टवेयर आज का आपको देख के कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो बनाना। और इसका मैं बता देती हूँ, इसका जो बाकी फैमिली मेंबर है उसको बनाने के लिए मैं तो बहुत ही क्रेजी हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर है। पिंक कलर का क्लॉथ नहीं है इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, रेड कलर का भी नहीं है, उसे मैं मार्केट से ला के उसका बाकी फैमिली मेंबर तो बनता ही है बनाने के लिए, तो इसका फैमिली मेंबर भी आ जाएगा। और बाकी बचा था जैक बनाना ऑगियन कॉकरोचेस का, वो भी आएगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो बनाना। इसे बनाने के लिए देखिए, आप इससे डार्क ब्लू भी ले सकते हैं, मेरे पास ये वाला ब्लू था, मैं ये वाला ब्लू ले ली। ये करीबन आपको 20 सेंटीमीटर लग जाएगा, ये आपको थोड़ा सा लगेगा सिर्फ बेली पार्ट और ईयर पार्ट में, और लगेगा भी नहीं, ये सिर्फ नोज में लगेगा। ये कलर पर्पल कलर, पर्पल कलर नहीं है तो डार्क ब्लू ले सकते हैं। उसके बाद मार्कर, मार्किंग के लिए मार्कर तो चाहिए। और देखिए अगर चाहें तो इस कलर में आईज नोज बना सकते हैं, फैब्रिक कलर है ब्लैक कलर का। और वही इसको लगाने के लिए मैं ये पेंसिल का यूज़ करती हूँ। और उसके बाद स्टिच करने के लिए आपको चाहिए थ्रेड और नीडल, काटने के लिए सीजर और हॉट ग्लू गन। कुछ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और हाँ, आपको स्टफ़ चाहिए, स्टफ़ आपको करीबन इसमें 50 ग्राम से कम ही लगेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। और पैटर्न, पैटर्न यहाँ पर नहीं लाई, पैटर्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वेट कीजिएगा, जब टाइम होगा मैं अपलोड कर दूँगी। फ्री है, कोई चिंता नहीं है कि आपको प्राइस लगेगा, फ्री है, पैटर्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए इसे बनाने के लिए, देखिए ये वाला हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, ब्लू फेल्ट, सब ब्लू लगेगा। और ये हेड है पीछे वाला, पीछे का साइड का, देखिए देखिए, वन से वन जॉइंट होगा, टू से टू जॉइंट होगा, कुछ इस तरह देखिए जॉइंट होगा इसका, और एक पार्ट इस तरह रिवर्स रख के यहाँ से यहाँ जॉइंट होगा। और ये दो डार्ट पार्ट, ये डार्ट पार्ट को भी आप स्टिच कर लीजिएगा, देखिए देखिए इस तरह रिवर्स रखिएगा, और यहाँ से एक पीस यहाँ, और यहाँ से एक पीस यहाँ, ये हो जाएगा बैक हेड। उसके बाद देखिए ये फ्रंट हेड है, दो पीस कट कीजिएगा कुछ इस तरह रिवर्स। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप स्टिच कर लीजिएगा, और उसके बाद ये वाला पोर्शन भी स्टिच कर लीजिएगा। ये देखिए नोज पार्ट है, ये वाला पोर्शन स्टिच कर लीजिएगा, और उसके बाद इसको खोल के यहाँ पर बीच में सेंटर में आप स्टिच कर लीजिएगा। फिर देखिए ये वाला फ्रंट बॉडी है, थ्री को थ्री से, उसके बाद फोर को फोर से स्टिच कीजिएगा, ये वाला डार्ट स्टिच कर लीजिएगा, इस तरह रख के एक स्टिच कीजिएगा, और उसको रिवर्स रख के और एक स्टिच कीजिएगा। और यहाँ पर डार्ट है, ये डार्ट को भी स्टिच कर लीजिएगा। और कुछ इस तरह दिखेगा स्टिच होने के बाद, उसके बाद इसको इस तरह फोल्ड कर दीजिएगा,
और पूरा यहाँ से यहाँ स्टिच कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए ये बॉडी का बैक बॉडी है, दो पीस बोथ पीस स्टिच हियर। तो आप क्या करेंगे, इस तरह दोनों पीस को रख के यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लीजिएगा। ये हैंड पोर्शन है, देखिए एक अपर हैंड है, सॉरी ये इनर हैंड है, ये अपर हैंड है, मैं गलती से लिख दी थी, ये अपर है और ये इनर है। ये दोनों इस तरह रख के यहाँ से यहाँ स्टिच कीजिएगा, इस तरह दो पीस आप कट कीजिएगा, इस तरह रख के यहाँ से लेके यहाँ तक दो पीस को जॉइंट कीजिएगा। ये वाला ईयर पार्ट है, इस तरह रख के पूरा होल ना करके एक पीस दो पीस कट कीजिएगा कुछ इस तरह, और उसके बाद इस तरह होल करके दो पीस कट कीजिएगा, और इसका होल में ये वाला वाइट में कट कीजिएगा। इसको पहले इस तरह स्टिच कीजिएगा, उसके बाद एक एक ईयर डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कीजिएगा। फोर पीस लेग का पार्ट है, फोर पीसेस इस तरह कट कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कीजिएगा। देखिए ये हो गया हम लोग का हेड, हेड कंप्लीट होने के बाद ये फ्रंट है, ये बैक है, देखिए फिर इसका यहाँ पर ये वाला सेंटर निकालेंगे, इस सेंटर से ये वाला सेंटर कुछ इस तरह, ये वाला सेंटर से ये वाला सेंटर निकाल के कुछ इस तरह ये पूरा चारों तरफ से स्टिच हो जाएगा। पर देखिए यहाँ पर पैटर्न में भी है, यहाँ से यहाँ मार्क किया गया है, यहाँ से यहाँ हम लोग का ईयर लगेगा जो ये वाला स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। इसको आप सीधा कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्टफ डाल दीजिएगा, थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। और उसके बाद इसको देखिए ये कुछ ये फ्रंट की तरफ रहेगा, तो ये फ्रंट की तरफ आप फेस करके इस तरह रख के आप क्या करेंगे, पूरा ये गोलाई में और ये गोलाई में आप लोग स्टिच कर लेंगे, और इसमें ये वाला नोज भी लग जाएगा जो कुछ इस तरह दिखेगा, और इसको गोलाई से आप स्टिच कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए ये वाला है हम लोग का बैक पोर्शन, बैक बॉडी का पोर्शन है, तो कुछ इस तरह दिखेगा। और उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला फ्रंट बॉडी का पोर्शन है, कुछ इस तरह ये वाला नेक एरिया छोड़ देंगे, देखिए यहाँ से और यहाँ का नेक एरिया आप लोग छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद ये हैंड पोर्शन को भी छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ स्टिच कीजिएगा, और इस तरफ का कोई एक तरफ पर छोड़ दीजिएगा ताकि हम लोग स्टफ अंदर डालेंगे। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर मार्क की है, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ पर हम लोग का ये लेग लगेगा, देखिए इसको इस तरह सीधा कर लीजिएगा, इसके अंदर भी स्टफ डाल दीजिएगा, और नहीं सीधा नहीं, आप लोग इस तरह का उल्टा भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, उल्टा रख के देखिए कुछ इस तरह, ये जो कम साइड है देखिए यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, यहाँ लगा दीजिएगा यहाँ से, और लेग जहाँ तक जाएगा मार्क किया गया है यहाँ से स्टिच हो जाएगा, और यहाँ पर और एक आधा यहाँ पर आप स्टिच कर लीजिएगा, और साइड में कहीं जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ से और लेग लग जाएगा, यहाँ से स्टिच कर लीजिएगा और ये वाला का जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर लेग लगा के ये जो जितना साइड एरिया है आप स्टिच कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका भी सेंटर निकाल दीजिएगा, और कुछ इस तरह रख के देखिए इसको इस साइड में स्टिच कर लीजिएगा, और इसको भी इस साइड में स्टिच कर लीजिएगा, हम लोग का हो जाएगा पूरा बॉडी रेडी।
हैंड पार्ट इस तरह लगेगा। मैंने एक लेग स्टिच कर लिया, देखिए कुछ इस तरह, और ये साइड में खुला छोड़ दिया ताकि हम लोग सीधा करेंगे। ये साइड मैंने स्टिच कर लिया, इस तरह लेग लगाएंगे, इस तरह हैंड लगाएंगे। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट भी स्टिच हो गया, इसके अंदर मैंने ईयर भी लगा दिया, यहाँ पर देखिए मार्क किया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये वाला फ्रंट है, तो फ्रंट बॉडी को पूरा यहाँ से यहाँ स्टिच होगा। ये वाला पार्ट पूरा स्टिच कर दीजिएगा, फिर बैक को बैक साइड से, देखिए ये वाला सेंटर है, इस सेंटर को सेंटर से मिलाइएगा यहाँ से, और हम लोग का बॉडी का हिस्सा इस तरह गोलाई से आप पूरा स्टिच कर लीजिएगा। और उसके बाद स्टिच करके सीधा करके अंदर स्टफ डाल दीजिएगा। देखिए मैंने क्या किया, सब स्टिच हो गया, देखिए पूरा स्टिच हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, बहुत आसान है। और उसके बाद हम लोग जिस तरह ओपन एरिया को स्टिच करते हैं उसी तरह आप स्टिच कर लीजिएगा। अगर नहीं जानते, पहली बार आए हैं, तो देख लीजिए किस तरह मैं स्टिच करती हूँ। देखिए कुछ इस तरह डालेंगे और सेम इस तरह डालेंगे, यहाँ पर जितना छोटा छोटा सेक्शन लेंगे उतना फिनिशिंग आएगा। आपको जल्दी जल्दी दिखाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, पर आप जितना छोटा छोटा सेक्शन लेंगे उतना फिनिशिंग से अंदर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरह हो गया, उसके बाद आप इसको खींच दीजिएगा, देखिए पूरा क्लीन हो गया। इस तरह पूरा यहाँ तक स्टिच कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए कुछ नहीं है, मैं बस चेक कर रही थी होता है कि नहीं। आप चाहें देखिए ये वाला फैब्रिक कलर ले सकते हैं, फैब्रिक कलर से यहाँ से इस तरह इसका स्माइली और आइज बना सकते हैं। और अगर इससे नहीं बन सकता तो आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ले लीजिएगा। और देखिए मैं आपको दिखाने के लिए एक स्टिच करके दिखा दे रही हूँ, इस तरह अंदर डालेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह अंदर डाल के देखिए इस तरह रखेंगे, और उसके बाद इसको इस तरह के से कर देंगे। इसी तरह आप क्या करेंगे, एक एक सेक्शन लेते जाइएगा और यहाँ पर इस तरह रख के इसको स्टिच करते जाइएगा। जब इस तरह करेंगे और तो ये पूरा स्माइल आपका बन जाएगा कुछ इस तरह, देखिए इस तरह स्माइल यहाँ से यहाँ बना दीजिएगा और आइज बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया कंप्लीट, देखिए। और जहाँ हो जाएगा वहाँ एक गांठ बंध के और कुछ इस तरीके से कट कर लीजिएगा, देखिए। मैं इसका और भी आगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं इसका और भी आगे बनाऊंगी। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वाला टॉय ये भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर स्टिच होने के बाद और आइज वगैरह लगने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, पूरा बन गया वीडियो। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका और जो फैमिली है ना, और इसको जिमी बनाई थी, जिमी या फिर चिमी, सॉरी इसका नाम भी मैं भूल गई हूँ, उसका नाम मैं देख के डाल दूंगी। और दो कैरेक्टर हो गया और है, और पांच कैरेक्टर है, उसको भी मैं आके बहुत जल्द बनाने के लिए कोशिश करूंगी। कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। और आप लोगों को इस तरह सॉफ्ट टॉय खरीदना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, बल्क में खरीदना हो तब भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, सिंगल पीस खरीदना हो तब भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आगे बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है, तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय टाटा। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार।